घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब एंट्री नहीं है ना, जैकी श्रॉफ की करियर का सबसे बेस्ट साल माना जाता है। नहीं नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि अगले साल उनके बेटे टाइगर श्रॉफ पैदा होने वाले थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उस साल उनकी 3 हिट फिल्में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। आपको बता दें उसमें त्रिदेव, परिंदा और राम लखन का नाम आता है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा हिट थी त्रिदेव। तो आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये और भी ज्यादा खास बनने जा रही है। तो आपको बता दें कि आपने बिल्कुल सही सोचा है कि इसका सीक्वल आ रहा है, जिसमें हम फिर से जैकी श्रॉफ को देख सकते हैं। लेकिन उस बात को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, और तब तक हम आपको बताएंगे पिछली फिल्म की कुछ ऐसी राज जो आपको एक्साइट कर सकती है। फिल्म में एक गाना था जिसका नाम था तिरछी टोपी वाले। तो आपको बता दें कि यह गाना काफी ज्यादा हिट रही थी, लेकिन उसे भी कंट्रोवर्सी ने घेर लिया था। दरअसल पुलिस फोर्स का कहना था कि तिरछा वर्ड उनकी टोपी के लिए और उनके जॉब के लिए काफी ज्यादा इंसल्टिंग था, और उसके तुरंत बाद ही सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म पर बैन लगाने की धमकी दे दी थी। दरअसल सेंसर बोर्ड का कहना था कि यह फिल्म काफी ज्यादा वॉयलेंट है और इसके तीनों रोल्स देश के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि उसके बाद 3 महीने तक यह फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो रही थी, जिसके बाद खुद राजीव यह केस लड़े और जीते भी। फिर फिल्म भी रिलीज हुई और बन गई वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट। तो दोस्तों, जैकी श्रॉफ के अलावा प्रीक्वल में नसरुद्दीन शाह और सनी देओल भी थे। सनी ने तो फिलहाल 6 महीने का वक्त मांगा है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल बात करते हैं जैकी के बारे में। तो जैकी अपने उसी किरदार में होंगे जो मेन लीड निभाएगा। हालांकि इस पर उनका बेटा भी होगा, जो कि नए जनरेशन का त्रिदेव बनकर सामने आएगा। फिलहाल तो यह फिल्म की शूटिंग शुरू होने में अभी टाइम है, लेकिन आने वाले साल की शुरुआती में ही मेकर्स इसका ग्रैंड अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और तब तक सनी का मैटर सुलझने की भी पॉसिबिलिटी है। अरे वही मैटर जो आपको दूसरी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन जुड़े रहिए हमारे चैनल यानी कि बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। मिलेंगे आपको फिर अगली वीडियोस के साथ, और जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।